टीवी वाले भैया आ चुके हैं। टीवी जा रहा है, मैं छोड़ के रोना रहा है। कहाँ है शायद वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा हमारा टीवी जा चुका है हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो उससे पहले आपने मेरे व्लॉग में देखा था, मैंने बताया था कि उसमें प्रॉब्लम आ गया है। तनिष्का भी अपने पापा के साथ अभी सर्च कर रही है नई टीवी की तैयारी में, और वहां पर इतना सुना सुना सा लग रहा है क्योंकि टीवी जा चुका है अब, और खाली जगह बच गई है उसकी जाने की। कैसा लग रहा है? हम यहां से आते थे, शक्ल देखते थे टीवी में, बस फेस देखने के लिए लिया था। नहीं, जब चलता नहीं था, बंद रहता था। अच्छा, अब तो इनके पापा भी टेंशन में है कि क्या करें, टीवी का क्या ना करें। हाँ, टेंशन तो रहती है, वो इतनी मुश्किलों से लिया था और उसके बाद इतनी जल्दी खराब हो गया। हमने अक्टूबर में लिया था वो, और अभी अगस्त चल रहा है, मतलब पूरा एक साल भी नहीं हुआ। वो मेरा बर्थडे था, गिफ्ट था टीवी। अक्टूबर में आपका मेरा बर्थडे, एसी था इसके बर्थडे। वो जा चुका है हमेशा के लिए, हम सबको छोड़ के कभी वापस नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं, उसकी यादें धीरे धीरे बुलानी पड़ेगी। नया टीवी तो आएगा ही, खैर अब लेना ही है। थोड़ा सर्च कर रहे हैं अभी कौन सा लें। अभी ये काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अट्टा मार्केट। टीवी तो खैर चला ही गया, पर क्या करें, रक्षाबंधन आ रही है, मार्केट से राखियां भी लेकर आनी खरीद के। नहीं, मैं काट देती हूँ। और मैंने ये वाले छोले फर्स्ट टाइम बनाए हैं, ये जो सूखी हुई मटर होती है ना, वो वाले हैं जो बाहर आपने खाएंगे, बाहर जो छोले कुलचे मिलते हैं। तो ये मैंने घर पर ही बनाए हैं क्योंकि जो बाहर के वो उतने टेस्टी नहीं लगते, और कुलचे ये प्रेम के पापा शॉप से लेकर आए हैं, दुकान से, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं करे हैं घर पे अभी तक। करूंगी मैं इन्हें भी कभी घर पे, जरूर ट्राई करूंगी। तो अभी काट लेती हूँ फटाफट से, है ना, टमाटर को। चम्मच नहीं आती ना, टमाटर कम डालो ना। हाँ, टमाटर कम खाते हैं ना। कुलचों को सेक लो मैं इतने, तो मैं इतने कुलचों को सेक लाती हूँ। प्रेम के पापा इसमें ये कर देंगे, बच्चों को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चम्मच भी ले ली, मिक्स कम। तो ये वाले आप बिना मिर्च के रहते हैं ना, जानिए और प्रेम के, ठीक है। प्याज और टमाटर डाल देना इसमें, ठीक। इसमें तनिष्का खा लेते, चलो खाओ, फिर खा के मार्केट भी जाना है ना। लो आपका कुलचा, ये रहा तनिष्का का, मेरा ये तनिष्का। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, पापा नहीं, बस हम तीनों जा रहे हैं। ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो वाले के पास भी फोन करा था, क्या रहा आने वाला है, 5 मिनट आने वाला है, चलो हम निकलते हैं इतने, है ना, है ना, पहुंचाते हैं। चलो हमेशा, अरे मास्क, मास्क ले आएगी वो तो जरूरी है, चलो आज जल्दी से मास्क ले लेंगे। ओके, बाय बाय। पापा को तंग मत करियो, ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं, ये पता है सोसाइटी बड़ी अच्छी लगती है। आज ना बारिश भी हो गई थी, थोड़ा मौसम ठीक सा हो रहा है, घटा घटा सी हो रही है, हल्की धूप। हम लोगों ने सोचा रक्षाबंधन का जो भी सामान खरीदना है आज खरीद लेते, उसके बाद तो और भीड़ होगी, 2 दिन बचे हैं। आप ही नेक्स्ट दिख रहे होगे, ऑटो वाला पता नहीं कब तक आएगा, तो तन्नू और मैं हरे हरे हो। बहुत गर्म है।
अच्छे लग रहे हैं कोई से नहीं बनाते बेटा। मल्टी कलर के ऐसे सेट नहीं है? नहीं। सो का होगा ये लेगिन पैंट प्लाजो प्लाजो सिर देख ले मैडम आ जाओ और कलर आ दिया कलर आ दिया हां ये वाले ले लो ये अच्छे लग रहे हैं मुझे बाकी पसंद नहीं आ रहे। तन्नू दीदी यहाँ पर ले रही है कुर्ती एक तो ब्लैक और व्हाइट दोनों अच्छा है। तन्नू दीदी को एक ड्रेस पसंद आ गई है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे और अभी ये पता नहीं क्या देख रहा है। फ्रेंड्स मार्केट में घूमते घूमते 5 बज चुके हैं हमें और इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी हम अभी अभी हम थोड़ा सा जीरा सोडा पी रहे हैं सही में। मेरा खुल नहीं रहा है अरे मेरा भी तो खुल नहीं ला मैं खोल दूँ ये तो गजब है कान में चुन्नी अटक रही है गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है ज़्यादा गर्मी है मार्केट में बहुत ज़्यादा बस ऐसे लग रहा है घर चले जाएं किसी तरह से मार्केट आओ तो अपनी छतरी लेकर आओ। जानवी ने अपने लिए ड्रेस ले ली तनिष्का ने ले ली प्रेम के लिए ले ली मैंने अपने लिए मैं देखती हूँ शुरू के लिए पापा के लिए भी देख रहे हैं बस अब घर ही चलना है बस सब तो सब कुछ हो चुका पी ली जूस भी पी लिया अब चलते हैं खाना है क्या अब छोले कुलचे से ही पेट भर गया था हमारा। चलो ठीक है अब हम शॉपिंग करके थक हार के जा रहे हैं घर तो अब फोटो तो मैं मिल ही गया था ठीक है तो मम्मी ने भी अपने ले लिए हैं मैंने भी जानवी ने भी तब घर जाके दिखाएंगे कल के ब्लॉग में नहीं रक्षाबंधन पे थोड़ा सा लेट हम लोग घर आ चुके हैं आपको दिख रहा होगा। चलो चलो अभी हम लोग आ गए हैं और ये देखो प्रेम कर रहा है यहाँ पे धुलाई मम्मी नहीं है तो आज धुलाई कर लो बंद है कितनी गर्मी हो रही है तो तो फ्रेंड्स हमारी हो चुकी है शॉपिंग तो हम लोग अपना सारा सामान ले आए जो रक्षाबंधन का है और अभी मम्मी गई है नहाने तो जब मम्मी नहा के आएगी तब मम्मी आपको बताएगी कि क्या क्या हम लोग सामान लाए हैं। हम लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही थी पैरों में दर्द हो गया था चल चल के तो मम्मी नहा के तब फिर आप लोगों को बताएगी कि हम क्या सामान लाए हैं। ओके मम्मी आ चुकी है नहा के अब हम मिला है फ्रेंड्स नहा के अट्टा से आके फ्रेंड्स मार्केट से आके इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी फिर मैं थोड़ा देर रुक के तब नहाई हूँ अब थोड़ा आराम सा मिला है क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब गर्मी चिपचिपापन सा और था बारिश भी हो गई थी वहां पर थोड़ी थोड़ी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी आपको मार्केट से क्या लाई है वो आप रक्षाबंधन वाले दिन देखना तो अभी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ आपको। एक तो मैं ये वाला मेकअप का ब्रश लेकर आई हूँ ये जैसे ब्लशर वगैरह लगाना होता है उसके लिए मेरे पास था नहीं तो मैं ये लेकर आई हूँ ब्रश और मैं ये लेकर आई हूँ अपने लिए चूड़ियाँ मल्टी कलर की बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे है ना तनिष्का को भी अच्छी लग रही थी हाँ, मुझे भी मेरे को पर हमने जब स्टार्टिंग में देखी थी ना तो एक ब्लैक थी वो बहुत ही प्यारी थी व्हाइट ये थे उसमें बहुत ही ज्यादा ब्लैक ब्लू तो ठीक थी पर त्योहारों में ना मतलब थोड़ा सा कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं ब्लैक वाली भी ले लूंगी मैं नेक्स्ट टाइम लेंगे वो तो कुछ नेक्स्ट टाइम में ले लूंगी कुछ ऐसा है ब्रश हमने ज्यादा वैसा नहीं लिया मोटे मोटे से वैसा ₹100 तक का दे रहे थे ये तो हमें मिल गया कहीं से और एक मैं लाई हूं अपने लिए कान के इयररिंग्स मेरे कहाँ चले गए मिली नहीं इसमें डाल दिए सी है मेरे कान की झुमकी ऑफ व्हाइट कलर की फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ व्हाइट और गोल्डन कलर की है ये मम्मी तो पता नहीं लेती नहीं है हमने जिद करके लिया मैंने कहा ले लो फिर व्हाइट किसी पे भी चल जाता है देखते हैं कैसी लगेगी ये पहनूंगी मैं रक्षाबंधन पे पहनूंगी नहीं झुमकियों को भी इसमें काफी सारे कलर थे बट ये वाला कलर भी सब पे चलेगा फिर नेक्स्ट टाइम कभी लेनी होगी तो मैं दूसरी कलर की ले लूंगी अभी तो यही कलर ठीक है तो ये वाली चूड़िया मल्टी कलर की बहुत ही सुंदर लग रही है पन्नी में आगे तो मैं पन्नी में से निकालूंगी ना साड़ी भी खर जाएंगी एक ये दिलवाया हमने मम्मी को वो भी स्टार्टिंग में जब हम गए थे ना तभी हमें पसंद आ गए थे
ये भी बड़े प्यारे हैं, पिकॉक वो है इनका डिजाइन मोल वाला। तो ये सब आपको रक्षाबंधन पे देखने को मिलेगा। अभी तनिष्का कर रही है मेरी मालिश, क्योंकि मार्केट में गए थे, मेरे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था, उसको टीवी की टेंशन हो रही है, फिर ऊपर से मार्केट में भीड़, घर आओ भीड़ में घर नहीं आओ, मतलब कि शाम का टाइम हो रहा था, खाना भी बनाना था, इसलिए थोड़ा सा सर भारी भारी हो रहा था। तो अभी काफी अच्छा लग रहा है, अच्छे से कर रही हूँ। तेरा जानवी से थोड़ी सी बड़ी, मतलब 10 या 11 ईयर्स ओल्ड की, तो मेरे को ना बड़ा वो था कि हाँ मम्मी रात को मेरी मालिश ही करेगी स्कूल से आके रात को, और इतने अच्छे से ऐसे ऐसे टैप टैप करके मालिश करती थी, वो सर को बड़ा आराम मिलता था। बाल भी काफी लंबे हो गए थे मेरे उस टाइम पे, अभी पता नहीं क्या हो गया, मैं तेल नहीं डलवाती हूँ, पता नहीं। अभी बड़े हो जाते ना बच्चे तो बाल झड़ने ज्यादा लग जाते, इसके बाल काफी झड़ रहे हैं, बीमार भी हो गई थी अभी पिछले लॉकडाउन में, इसकी माता निकल गई थी, बहुत ज्यादा बीमार हुई थी, टाइफाइड भी हो गया था इसके, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई थी, वो बात तो सच्ची में बहुत ज्यादा बीमार था। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, ठीक हो गई थी, मतलब ब्लॉगिंग तो मैंने इस साल करी, पर लास्ट जब ये लॉकडाउन हुआ था तभी ये काफी इसकी तबीयत खराब हुई थी, दोनों की, तनिष्का जानवी प्रेम, पर इसकी ज्यादा हुई थी, फर्स्ट टाइम इतनी बीमार हुई थी। अभी काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो मसाज करा के। तो बस फ्रेंड्स, मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर ही खत्म करती हूँ, अब मुंडी तो रोक ली है। तो फ्रेंड्स, अभी तनिष्का करती रहेगी मेरी मालिश, फिर रात को अभी मैं खाना बनाऊंगी, मालिश करा के, भी खाना नहीं बना, क्या बनेगा इस खाने में? दाल चावल। जब भी मैं कहीं बाहर से आती हूँ तो सबसे ईजी चीज यही रहती है, जल्दी से दाल चावल बना दो, इनका फेवरेट है। तो लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा जब हम मॉल गए थे वैनिश मॉल, तब भी मैंने आगे दाल चावल ही बनाए, क्योंकि हम बाहर से आए थे थकार के। हाँ, मुझे बाहर की हैबिट नहीं रही है फ्रेंड्स, अब सच में मुझे तो बड़ा डर सा लगता है, मैं भीड़ में घूमना चाहूँ। हाँ, बहुत भीड़ रहती है मार्केट में, त्योहारों पे तो हर मार्केट में भीड़ रहती है। तो फ्रेंड्स, बस हम अपना आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि जल्दी से हमारी यूट्यूब की फैमिली और बड़ी हो, हम और अच्छे से इसका अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस अपना आज का ब्लॉग यहीं पर ही खत्म कर दी, जल्दी मिलते किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।